नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा हेयर पैक आपको कैसे लगाना चाहिए या कौन सा हेयर मास्क कैसे लगाना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए जिससे कि वो बालों से आसानी से निकल जाए। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर फाइटी का हेयर केयर रेंज का पूरा रिव्यू शेयर किया था और उसका लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे दिया। प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उसमें मुझे कुछ सवाल आए थे आप लोगों के कि ये जो हेयर पैक है क्या इसे लगाने में परेशानी तो नहीं होगी और क्या ये बालों से आसानी से निकल जाएगा या किस तरीके से इसे लगाया जाए जिससे आसानी से बालों से निकल जाए, प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फाइटी का हेयर मास्क की। यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस हेयर पैक को ना मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पाउडर फॉर्म में हेयर मास्क या हेयर पैक जब आप लगाते हैं तो उसे आपने कर्ड में तैयार करना है। अगर आप उसे कर्ड में या फिर हेयर ऑयल में या फिर पानी में तैयार करते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। पानी के बजाय मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप पानी की जगह इसे कर्ड में या फिर हेयर ऑयल में अगर आप पेस्ट को तैयार करते हैं, इस पैक को तैयार करते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और जरूरी नहीं है कि अगर फाइटी का हेयर मास्क है तो आपने फाइटी का ही हेयर ऑयल यूज करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ हेयर मास्क इस्तेमाल कर देखना चाहते हैं पहले, तो आप इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो या बादाम ऑयल हो, तो वो आप भी इसमें मिक्स करके आसानी से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऑयल में नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे कर्ड में भी रेडी कर सकते हैं। कर्ड में भी ये उतना ही बेनिफिशियल है। कर्ड तो आप जानते ही हैं कि हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो आप इसे कर्ड में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पाउडर फॉर्म में हेयर मास्क लगाते हैं तो कोशिश कीजिए उसे हेयर ऑयल या फिर कर्ड में रेडी करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे कर्ड में सिर्फ तैयार करना चाहते हैं तो आप कर्ड में भी तैयार कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद इस पैक को लगा लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो पाउडर फॉर्म में आते हैं हेयर मास्क आपको लगाने चाहिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं होती है निकालने में। अब बारी आती है केले के मास्क की। जी हाँ, बनाना हेयर मास्क की। मैंने अभी तक तो अपने चैनल पर बनाना हेयर पैक जो है वो शेयर नहीं किया है, बट अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। तो बनाना पैक को तैयार करना ना बहुत आसान है। आप इसे मिक्सी में भी मैश कर सकते हैं या फिर फोक की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से भी आप इसे मैश कर लीजिए सबसे पहले तो। और उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इसे डायरेक्टली अपने बालों में लगाएंगे ड्राई हेयर पर, और ड्राई ही अगर आप बस ऐसे ही केले का पैक लगा रहे हैं, तो वो आपके बालों से आसानी से नहीं निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आसानी से आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपके बाल भी ड्राई हैं। केला भी जब ड्राई होता है, यानी कि जब आप उस पैक को लगाएंगे वो सूख जाएगा, तब वो ड्राई होने के बाद निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने बनाना का जो पैक है ना, मैश कर लीजिए बनाना को, एक बनाना या दो बनाना, जो भी आप जितना भी लेना चाहते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने ही लेनी है क्वांटिटी। एक केला ले लीजिए, उसे मैश कर लीजिए, उसके बाद उसमें कर्ड ऐड कर लीजिए, ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, आपको लगाना पसंद है किसी अदर ब्रांड का लगाना चाहते हैं, जो बनाना आप मैश करेंगे उसमें आप उस ऑयल को मिक्स कर दीजिए, कर्ड ऐड कर लीजिए या फिर हनी ऐड कर लीजिए। दोनों में से एक चीज भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। एक चम्मच आपने हनी ले लेना है और दो चम्मच दही ले लेनी है, मतलब अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही आपने जो क्वांटिटी है वो तय करनी है, लेनी है। बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगाते हैं, तब बनाना का जो हेयर पैक है ना वो ड्राई होने के बाद बहुत आसानी से निकल जाएगा आपके बालों से और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने बनाना का पैक लगाना है। अब बात कर लेते हैं एग हेयर पैक की। अगर आप कोई अंडे वाला पैक लगा रहे हैं या अनियन पैक लगा रहे हैं, तो ऐसे में काफी लोगों को ना तो अनियन की स्मेल अच्छी लगती है ना एग की स्मेल अच्छी लगती है, तो आप कोई बात नहीं, उसमें एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, कोई भी अपनी मनपसंद खुशबू वाला ऑयल ले लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप आप उसमें ऐड कर लीजिए, उससे आपको स्मेल भी नहीं आएगी एग या अनियन की, और वो हेयर पैक भी लगाना मतलब अच्छा हो जाएगा और ज्यादा आपको लगाने मजा आएगा और इसकी बदबू भी नहीं आएगी। तो एग का जो हेयर पैक है और अनियन हेयर पैक है, ये मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, इनकी रेमेडी शेयर की हुई है, आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना। दोस्तों, मैं हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल बटन को हिट करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है जब आप लाइव आते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। भाई, जब आप बेल बटन को हिट नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज बेल बटन को भी हिट कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
दोस्तों आपसे जिन भी लोगों के मुझे कमेंट अच्छे लगेंगे मैं अपनी वीडियो में उनके कमेंट को पिन करूंगी और उनका नाम, अगर आप कोई भी अच्छी सी वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं तो वो सजेशन भी मैं जो होगा वो अपनी वीडियो में बताऊंगी और उन पर्सन का नाम भी मैं अपनी वीडियो में जरूर बोलूंगी। और दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहती हैं, चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX Akatech पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।